दीवार मत तोड़ देना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा, कितना आसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डैडी पिक की वजह से दीवार में बड़ी दरार आ गई। डैडी, आपने दीवार तोड़ दी। एक छोटी दरार ही तो है, ये फोटो उन्हें छिपा देगी। देखा, हो गया। मुझे अब भी दिख रही है डैडी। मुझे भी। एक काम करते हैं, इसे निकालते हैं और ये दरारें भर देते हैं। कचरा मत करना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा। आ जाओ बाहर जल्दी। ओ डैडी, अब आपने सचमुच दीवार तोड़ दी। आपको लगता है मम्मी को पता चलेगा? हाँ, शायद पता चल ही जाएगा। जल्दी करो जॉर्ज। वो क्या कर रहे हैं? डैडी, हम आपको देख सकते हैं। डैडी पिक को मम्मी पिक के घर लौटने से पहले दीवार को ठीक करना होगा। एक ईंट दे दो। डैडी पिक ने पहले ईंटों से दीवार को ठीक कर दिया। देखा, हो गया। फिर डैडी पिग ने ईंटों पर प्लास्टर लगाया। हो, देखा कितना आसान है। फिर डैडी पिग ने दीवार को पेंट किया। हो गई ना पहले जैसी। दीवार पहले जैसी हो गई। पर घर में गंदगी फैल गई। अरे नहीं, मम्मी आने से पहले सारी सफाई कर देते हैं। पहले डैडी पिग ने पेपा और जॉर्ज को नहलाया। जॉर्ज, ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। अब इसे चाहिए हाथ, आंख और एक मुंह। जॉर्ज को स्नोमैन के हाथों के लिए लकड़ियां मिली हैं। पेपा को स्नोमैन की आंखों के लिए और मुंह के लिए पत्थर मिले हैं। ये इसका चेहरा है। अब स्नोमैन को नाक की जरूरत है। स्नोमैन की नाक बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई। स्नोमैन बहुत खुश लग रहा है, पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है। स्नोमैन को ठंड लग रही है, उसे कपड़े चाहिए। स्नोमैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले हैं। स्नोमैन ने पहनी अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स। मम्मी, डैडी, आइए और देखिए। मम्मी ने पहनी है अपनी टोपी, स्कार्फ और ग्लव्स। मैंने आज से पहले इससे अच्छा स्नोमैन कभी नहीं देखा। डैडी पिक को ठंड लग रही है, उन्होंने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स नहीं पहने। डैडी, आपने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स क्यों नहीं पहने? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कहीं मिल ही नहीं रहे। शायद मुझे पता है कि डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स कहाँ हैं। डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स स्नोमैन ने पहने हैं। चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे। ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है। हम गड्ढे में कूद सकते हैं? प्लीज। मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ। पीछे रहो बच्चों। जरा ध्यान से डैडी पिग। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जरा ध्यान से। बस थोड़ा सा और डैडी।
ओके। डैडी पिग, तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो। रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ। हुर्रे! डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया। ओह डियर, सब के सब मिट्टी में सन गए। ये तो सिर्फ मिट्टी है। अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई। मम्मी, अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं? हाँ ठीक तो है, अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते। और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सभी को गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। गड्ढों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में। पेपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है? मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुत ही अद्भुत जादूगर। जी डैडी। दोस्तों, पेश करती हूँ जादूगर डैडी। ये रही मेरी पहली ट्रिक, अब्राकाडाब्रा। वाओ, ये तो डैडी है। मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए। मुझे एक ही चाहिए। प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया, चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ। मैं सूजी शीप। देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल, एक लाल, एक नीला और एक पीला। ठीक है, जब मैं पीछे मुड़ जाऊंगा तब तुम्हें मुझे बिना बताए एक चुनना होगा। ठीक है। क्या तुमने एक चुन ली? हाँ। अब्राकाडाब्रा, तुमने चुनी पीली। नहीं। अब्राकाडाब्रा नीली। नहीं। अब्राकाडाब्रा लाल। हाँ, सही जवाब। बुद्धु जादूगर डैडी, आपने तीनों रंग बता दिए। पेप्पा, किसी को बताना नहीं। क्या एक और जादू देखना चाहोगे? हाँ, प्लीज। अब अपनी आंखें बंद करो, देखना नहीं है। अब जादुई शब्द बोलो, अब्राकाडाब्रा। अब्राकाडाब्रा। अब अपनी आंखें खोल दो। हुर्रे, मेरा बर्थडे केक। मोमबत्तियां बुझाओ पेप्पा। आइसक्रीम, आइसक्रीम। मिस रैबिट आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम। गर्मी के दिनों में मिस रैबिट आइसक्रीम बेचती है। मम्मी, डैडी, क्या जॉर्ज और मैं आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हुर्रे! क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है। हेलो मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज। हेलो मिस रैबिट, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा। थैंक यू। मेरे लिए और डैडी पिग के लिए भी वही देना प्लीज। और छोटे मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए? डायनासोर। डायनासोर? बुद्धू जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डायनासोर कहता है। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डायनासोर की आकार में एक कैंडी है, ये लो। डायनासोर। जॉर्ज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खत्म करो। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू मिस रैबिट। सब मजे करो। जॉर्ज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खत्म करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले। ओहो, जॉर्ज की डायनासोर आइस कैंडी पिघलकर जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम डैडी की आइसक्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी है कि डैडी पिग सो गए।
डैडी पिग को गर्मी लग रही है। चलो उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डालते हैं। अच्छा आइडिया है पापा। क्या हुआ? आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसीलिए हमने आप पर पानी डाला। ओ, अच्छा, थैंक यू पापा। देखो पानी के गड्ढे। चलो जॉर्ज जूते पहनो। मम्मी पिग ने पापा को तैयार किया है और डैडी पिग पापा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं। तो बताओ पापा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हूँ। बहुत अच्छे। उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पापा। डैनी डॉग बनेगा बड़ा बुरा भेड़िया। दादा डॉग और मम्मी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं। मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। बोलने के बाद हंसना नहीं डैनी। तुम्हें डरावना लगना चाहिए। देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं हूँ एक बड़ा बुरा भेड़िया और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। देखा? हाँ, सचमुच बहुत डरावना था। पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है। वो पेपा को उस भेड़िये से बचाएगा। मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। नहीं, तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेड़िये। मैं तुम्हें भगा दूंगा बुरे भेड़िये। शाबाश पेड्रो। रेबेका रैबिट दादी बनने वाली है। मैं क्या बोलूँ मम्मी? देखते हैं, नाटक के शुरुआत में बड़ा बुरा भेड़िया तुम्हें अलमारी में बंद कर देगा। नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू। कहो थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे रिबेका। स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं। आप सभी का स्वागत है। हम पेश कर रहे हैं द लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से। प्लीज प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है, ऐसा मत कीजिए। क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओ डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ले जाऊंगा हवा महल, चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी। चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुर्रे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुँच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह, दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों, ओ ये क्या है?
तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं। तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए। एक लायन वाला। मुझे मंकी चाहिए। एक पैरट वाला। ओ हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। ओ डियर, मेरे पास डायनासोर का कोई गुब्बारा नहीं है। फिक्र मत करो जॉर्ज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम ये दो लंबे गुब्बारे ले सकते हैं? सब लोग उसको देखो। डैडी पिग गुब्बारे से क्या कर रहे हैं? बन गया। क्या कोई बता सकता है ये क्या है? ये कांगारू है। नहीं, ये है डायनासोर। बिल्कुल ठीक, डायनासोर। डैडी पिग ने एक डायनासोर गुब्बारा बनाया। डायनासोर। अब वो उछलने वाला कासल। पापा को उछलने वाले कैसल में उछलना पसंद है। सबको उछलने वाले कैसल पर उछलना पसंद है। डैडी पिग, पापा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। एक दो तीन, अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। कितना प्यारा सरप्राइज है ये। चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो। मम्मी मम्मी, अपना गिफ्ट खोलो। गेस करो इसमें क्या है। मुझे नहीं पता। तो खोलो और देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। वाह! आप खूबसूरत हो मम्मी। अब इसे पहनकर किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। ये क्या है? दो टिकट्स आज रात के फिल्म के। चलो चलें। थैंक यू। मम्मी पिग को फिल्म देखना पसंद है। मैं और दादी पिग बच्चों को घर पर संभाल लेंगे। हुर्रे! कितना अच्छा बर्थडे है। लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी मम्मी हूँ। और खूबसूरत भी। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउनबियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउनबियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक,
गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम। तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए। उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर आ सकते हैं। ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बेयर। मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेयर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पेग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलौने लाए? डायनासोर। अच्छा है, मिस्टर डायनासोर सुरक्षित हैं। डैडी, मैंने डैडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। चिंता मत करो पेपा, डैडी पिक तुम्हारा डैडी ले आएंगे। जल्दी करो डैडी पिक, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टेडी पूरा भीग गया। हाँ बेचारा टेडी, चलो उसे सुखाते हैं। बेचारा टेडी। ये लो टेडी, तुम सूख गए। पर बेचारे डैडी का क्या, मैं भी तो भीग गया हूँ। ओ सॉरी डैडी पिग, आपको भी सुखा देते हैं। ये देखो डैडी पिग बिल्कुल सूख गए। बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है, फर्श गीली हो रही है। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे डैडी पिग? चिंता की कोई बात नहीं। डैडी पिग बूंदें इकट्ठा करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाबाश डैडी पिग, बहुत ही आसान था। ये क्या? जल्दी पानी जमा करने के लिए कुछ और लेकर आओ। बहुत अच्छे पेपा, बहुत ही आसान था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। हर एक चमक और शोर के बीच गिनती करते हैं, और ज्यादा गिनती करने से तूफान दूर चला जाएगा। आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग। क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओह अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। अब आप अंदर आ सकते हैं डैडी। अपने जूते उतारिए। मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा। क्योंकि आपका पेट बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, डैडी पिग ऊपर से जा सकते हैं। पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं। दादी, मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है, मुझे कभी बाहर नहीं आना। अच्छी बात है पेपा,
क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझसे मिलने नहीं आना? नहीं, मुझे नहीं आना। तो फिर कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दोनों ही खा लेते हैं। कुकीज। मुझे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे। डैडी पिग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खासकर बच्चों के सामने। पर सही तो है, अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर जोर से खर्राटे मारकर सो जाते हैं। ये ऐसे पापा, जॉर्ज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ। ठीक है डैडी। पेपा और उसका परिवार अंकल पिग और आंटी पिग के घर पहुंच गए हैं। हेलो आंटी पिग, हेलो अंकल पिग। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसे हो? अंकल पिग डैडी पिग के भाई हैं। क्लोई पिग पेपा और जॉर्ज की बहन है। हेलो क्लोई। हेलो पेपा, हेलो जॉर्ज, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हमारे लिए रुको। ये है मेरा नया कठपुतली यानी पपेट थिएटर, मेरे डैडी ने मेरे लिए बनाया है। वाह। मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाए हैं। इसका नाम है क्लोई। हेलो, मैं हूँ क्लोई पिग। और ये है मेरे डैडी अंकल पिग। हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पिग। क्लोई, क्या मैं और जॉर्ज भी पपेट बना सकते हैं? हाँ। क्लोई पपेट की आंखें पेंट कर रही है। मैं मुंह बनाऊं? हाँ बनाओ। मेरा नाम पेपा है। जॉर्ज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डायनासोर। क्या डायनासोर? जॉर्ज हर चीज के लिए डायनासोर ही कहता रहता है। ठीक है, डरावना डायनासोर पपेट बनाते हैं। क्लोई जॉर्ज के लिए डायनासोर बना रही है। इसे नुकीले दांत चाहिए, ऐसे। डरावना डायनासोर। कमरे में एक मकड़ी है। हो, फिक्र मत करो। प्लीज डैडी, उसे बाहर निकालिए। हो, डरने की जरूरत नहीं है। हेलो जॉर्ज, क्या तुमने स्पाइडर को देखा? प्लीज डैडी, उसे निकालिए, वो बहुत डरावना है। डरने की जरूरत नहीं है पेपा, स्पाइडर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो कुछ नहीं करते। फिर भी चिंता मत करो, डैडी इसे बेडरूम से बाहर ले जाएंगे। वाह, ये तो काफी बड़ा लग रहा है। मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। मम्मी पिग। हेलो मिस्टर स्किनी लेग्स। पेपा थोड़ी बहादुर हो गई है। उसे मेरी गुड़ियों के घर में अच्छा लग रहा है। हेलो बच्चों, सुना है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पाइडर मिला है। मैं उसे कमरे से बाहर निकालती हूँ, फिर तुम दोनों खेल सकते हो। मम्मी, उसका नाम है मिस्टर स्किनी लेग्स। मिस्टर स्किनी लेग्स तो काफी बड़े हैं, है ना? पेपा और जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। गुड नाइट। जॉर्ज मकड़ी को सुला रहा है। नहीं जॉर्ज, उसे चाय चाहिए, उसे अभी सोना नहीं है। क्या आपको भूख लगी है मिस्टर स्किनी लेग्स? क्या आप थोड़ा केक खाएंगे? पेपा को अब उस मकड़ी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मामी डैडी बैठ जाइए, अब हम सब मिस्टर स्किनी लेग्स के साथ चाय पियेंगे। चाय किसे चाहिए? मैं लूंगी। मुझे भी चाहिए। ये तो बहुत ही यम्मी है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। ये रही आपकी चाय मिस्टर स्किनी लेग्स। क्या हुआ? ओ, मेरे डैडी को हेलो बोलना है। हेलो डैडी पिग। रहने दो पेपा, अब मिस्टर स्किनी लेग्स को उनकी चाय जो पीनी है। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना डैडी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने नजदीक मत लाओ इसे। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। चलो अब कोई नया वीडियो बनाते हैं। मैं
मैं जानती हूँ। डैडी पिग आप कमरे से बाहर जाइए, हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। जब तक मम्मी, पेपा और जॉर्ज एक सीक्रेट मूवी बनाते हैं, तब तक डैडी पिग को किचन में रुकना होगा। झांकना नहीं डैडी पिग। अब हम सबको कुछ करना होगा। जॉर्ज पहले तुम करोगे। क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? हो गया, अब आप अंदर आ सकते हैं। जॉर्ज ने एक मूवी बनाई है और पेपा ने भी, तो चलो पहले जॉर्ज की मूवी देखते हैं। डायनासोर। इसमें जॉर्ज एक डायनासोर बना है। ये तो बड़ा डरावना डायनासोर बना है। ओहो, ये क्या? जॉर्ज डर गया। डरो मत जॉर्ज, टीवी पर कोई असली डायनासोर नहीं है, वो तुम हो। डायनासोर। अब पेपा की मूवी देखेंगे। हो हो हो। अब ये कौन है? मैं हूँ डैडी पिग। हो हो हो। अच्छा, मेरा पेट बहुत बड़ा है क्योंकि मैं बहुत सारी कुकीज खाता हूँ। मेरा पेट बड़ा नहीं है, पर ये बात सच है कि मुझे कुकीज पसंद है। और आप जितनी ज्यादा खाएंगे आपका पेट उतना ही बड़ा होगा। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। और हाँ, वहाँ पर एक ड्रैगन भी था। डायनासोर? अरे हाँ, वो ड्रैगन नहीं था, वो डायनासोर था। बाहर एक बड़ा भयंकर डायनासोर था। ओहो, शायद वो डायनासोर इतना भी भयानक नहीं था, है ना डैडी पिग? सॉरी जॉर्ज, नहीं, वो डायनासोर बहुत दयालु था। वो सिर्फ घास खाता था। डैडी पिग। ओप्स, सॉरी, मैं भी डायनासोर बन गया। डैडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ। वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चांद दिखने लगे और सबको बहुत नींद आने लगी। डैडी, जादुई खिड़कियों को नीचे कर दो। नीले बटन से क्या होता है डैडी? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। मुझे ये नई गाड़ी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पापा, हमने बस ये आज के लिए ली है। ओह नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, तो मैं छत ऊपर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ। ये रहा वो बटन। नई कार ने डैडी पिग पर पानी उछाल दिया। बुद्धू डैडी, वो गलत बटन है। तो ये बटन रहेगा। ओप्स, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा। डैडी पिग भूल गए हैं कि कौन से बटन से छत ऊपर होती है। ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती। हम लाल बटन दबा कर देखते हैं।
हुरे! लेकिन बारिश अब रुक गई। क्या फिर से छत नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लाल वाला। हुरे! दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। हुरे! थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू डैडी पिग। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। अच्छा हुआ हमें अपनी कार वापस मिल गई। मुझे नई गाड़ी अच्छी लगी, लेकिन अपनी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी भी हमें बहुत पसंद करती है ना? लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू! चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी। देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ, ये बचाओ, कोई इसे भगाओ, भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। ओ, दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं, डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए हमें केक खा लेना चाहिए। ओ नहीं, हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया। अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबेरी केक किसी तरह से बचा लिया। रुकिए डैडी, हमने बचा हुआ केक बत्तखों को खिलाने का वादा किया है। ओ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। चलो डैडी को शुक्रिया कहो। तुम्हारा स्वागत है। ओहो। घर जाने का समय हो गया, बत्तखों को गुड बाय कहो। बाय बाय बत्तख, तुमसे फिर मिलेंगे। लेकिन पेपा के जूते कहीं नहीं मिले। पेपा के जूते खो गए। अब मेरे पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं है। बेचारी पेपा, तुम्हारे जूते पुराने हो गए थे, हम नए जूते ले आएंगे। क्या मेरे नए जूते लाल होंगे मम्मी? बिल्कुल लाल होंगे। जॉर्ज, मैं नए लाल जूते लेने जा रही हूँ। मम्मी पिग और पेपा मिस रैबिट्स की जूतों की दुकान में हैं। हेलो मिस रैबिट। हेलो मम्मी पिग। हमें पेपा के लिए नए जूते खरीदने हैं प्लीज। लाल जूते। जरूर, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पेपा। लाल जूते प्लीज। बिल्कुल लाल जूते। वाओ, नए लाल जूते। जॉर्ज और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं। ओ शाबाश जॉर्ज। डैडी डैडी, मेरे नए जूते देखिए, ये लाल हैं। ओ हाँ, ये लाल हैं। मम्मी, आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते? हाँ पेपा, इनमें तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। जॉर्ज, तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे? सबको पेपा के नए जूते अच्छे लगे। मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे हैं कि मैं उन्हें कभी कभी नहीं उतारूंगी। ये नहाने का समय है, पेपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं। पेपा ने अपना पैजामा पहन लिया, लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे हैं। पेपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है। पेपा, क्या तुम पक्का अपने जूते नहीं उतारना चाहती? मैं अपने नए जूते कभी नहीं उतारूंगी मम्मी। ठीक है,
गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट मेरे छोटे बच्चों। हो, कितना शोर मचा रहे हो। खत्म हुआ। अब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। ये क्या है? ये दांत है। ये कहाँ से आया? पेपा तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत है। ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही है। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ जरूर आएगा पेपा। इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। अब अपना हाथ हिलाओ ऊपर और नीचे और अपनी जीभ बाहर निकालो। और अब अपनी आंखें बंद करो और तेजी से घूमो, सिर्फ 3 बार। पेपा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया, जॉर्ज को अभी भी हिचकियां आ रही हैं। मैं जानती हूँ हिचकियों का इलाज, बीमार पिगी को एक शॉक दिया जाना चाहिए। जॉर्ज मैं तुम्हें डराने वाली हूँ लेकिन तुम्हें याद रखना ये सिर्फ एक खेल है और इससे तुम्हारी हिचकियां बंद हो जाएंगी। याद रखना ये सिर्फ डराने का खेल है। पेपा तुम्हें जॉर्ज के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत छोटा है। माफ करना मम्मी, मैं जॉर्ज की हिचकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। जॉर्ज की हिचकियां बंद हो गईं। डैडी पिग जूस के 2 गिलास लेकर आते हैं। जॉर्ज इस तरह पियोगे तो फिर से हिचकियां लग जाएंगी। मैं उतनी छोटी नहीं हूँ जितना जॉर्ज, मैं अपना जूस बहुत जल्दी पी सकती हूँ। डैडी क्या हम जाकर मम्मी के पास कंप्यूटर पर बैठ जाए? हाँ लेकिन तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे, उन्हें बहुत सा जरूरी काम करना है। शुक्रिया डैडी। मम्मी पिक को आज बहुत सा जरूरी काम करना है। मम्मी क्या जॉर्ज और मैं आपके गोद में बैठकर आपका काम देख सकते हैं? हाँ अगर तुम चुपचाप बैठो तो।
पेपा और जॉर्ज को मम्मी को कंप्यूटर पर काम करते देखना पसंद है। मम्मी, क्या हम कंप्यूटर पर हैप्पी मिसेस चिकन खेल सकते हैं? हम हैप्पी मिसेस चिकन बाद में खेल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे काम करना है। मम्मी, क्या हम आपकी मदद करें? नहीं पेपा, तुम्हें कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए, और जॉर्ज तुम्हें भी कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। हाँ जॉर्ज, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पेपा रुको। माफ करना मम्मी, मैं सिर्फ जॉर्ज को बता रही थी क्या नहीं करना चाहिए। ओह डियर, कंप्यूटर तो ये सब नहीं करता है। डैडी पिग, डैडी पिग। क्या बात है मम्मी पिग? डैडी पिग, आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं? जब तक आप कंप्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी। ठीक है मम्मी पिग, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ओ शुक्रिया डैडी पिग। डैडी पिग कंप्यूटर ठीक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूं। डैडी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया। हुर्रे डैडी! ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर? ग्रैंडपा आप क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा। फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है। ये बड़ा सेब का पेड़ भी? ओह हाँ, ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा इस तरह। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़ इस तरह। और इस सेब में बहुत सारे बीज हैं। और सेब के पेड़ उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, मुझे भी एक बीज लगाना है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया, अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पेपा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह, जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है, वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी,
मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओ डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। असल में मुझे लगता है इस न्यूज़पेपर में जॉर्ज के बारे में कुछ है। जॉर्ज, तुम्हें ढूंढ लिया। ओ जॉर्ज, वो छुपने की अच्छी जगह थी। जॉर्ज पूरा समय डैडी पिग के न्यूज़पेपर के पीछे छिपा रहा। पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रुप में जा रहे हैं। ये जॉर्ज का पहला दिन है। जॉर्ज, क्या तुम्हें प्ले ग्रुप में जाना अच्छा लग रहा है? डैडी, मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रुप के लिए बहुत छोटा है। वो ठीक रहेगा पेपा, और फिर तुम और मिस्टर डायनासोर वहाँ उसके साथ रहोगे। डायनासोर। लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, ना कि जॉर्ज और उसके डायनासोर से। ओ डियर, पेपा जॉर्ज के साथ प्ले ग्रुप में जाना नहीं चाहती। हम पहुँच गए। डैडी, आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है? वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आ सकता है। बाय बाय। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर शानदार। डायनासोर सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पेपा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। आओ जॉर्ज, हम जाकर डैडी को बुलाते हैं। अरे ये क्या? डैडी, डैडी, सोचो हम क्या कर रहे थे। सोचने दो मुझे, तुम लोग टेलीविजन देख रहे थे क्या? नहीं नहीं डैडी। तुम अभी अभी नहाए हो? नहीं नहीं। ओ अच्छा, तुम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हाँ हाँ डैडी, हम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हो हो, और देखो क्या हाल किया है तुमने। ओ कोई बात नहीं, मिट्टी ही तो है। चलो जल्दी से साफ कर दे वरना मम्मी नाराज होंगी। डैडी, साफ होने के बाद आप और मम्मी हमारे साथ खेलेंगे ना? हाँ, सब गार्डन में खेल सकते हैं। पेपा और जॉर्ज ने अपने बूट पहन रखे हैं। मम्मी और डैडी ने भी अपने बूट पहन रखे हैं। पेपा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। सबको पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। ओह डैडी पिग, देखो क्या हाल बनाया है आपने। ये मिट्टी ही तो है। हो
लगता है पेपा जॉर्ज को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है। पेपा, तुम जॉर्ज को परेशान कर रही हो? ये सच नहीं है मम्मी, मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी। मैं खेल जानती हूँ जिससे जॉर्ज सीखेगा गेंद कैसे पकड़नी है। इसे कहते हैं पिगी इन द मिडल। पेपा, तुम बॉल लो और वहाँ पर खड़ी हो जाओ, और जॉर्ज तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। बढ़िया, तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है। मैं हूँ पिगी इन द मिडल। मम्मी है पिगी इन द मिडल। पकड़ो जॉर्ज। ओह, छूट गई। जॉर्ज ने बॉल पकड़ ली। हुर्रे! शाबाश जॉर्ज, अब तुम पेपा की तरफ बॉल फेंको। ओ, फिर कोशिश करो। कोशिश करो। जॉर्ज मम्मी के ऊपर से बॉल नहीं फेंक पा रहा है। रहने दो जॉर्ज, बॉल मुझे दे दो। क्या बात है जॉर्ज, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पेपा जॉर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वो बहुत बड़ी है और फंस जाती है। बॉल मेरे पास है पेपा, अब पिगी बनने की तुम्हारी बारी है। जॉर्ज पकड़ो। हुर्रे! पकड़ लिया। जॉर्ज अब तुम बनो पिगी। जॉर्ज पकड़ो। बॉल को पकड़ो जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। जॉर्ज पकड़ो। बॉल यहाँ है जॉर्ज। ओह डियर, मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए। जॉर्ज भी बजाना चाहता है। इसे ऐसे पकड़ो जॉर्ज। ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है। वायलिन बजाना बहुत मुश्किल है। पेपा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो। शुक्रिया डैडी। ये आवाज ठीक है। पेपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये डैडी पिक का पुराना अकॉर्डियन है। मैं ये मम्मी पिक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे। ओह डैडी पिक, मुझे ये धुन याद है। जॉर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है। तुम बजाओगे जॉर्ज? अकॉर्डियन काफी मुश्किल है जॉर्ज। ये अकॉर्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा ड्रम। ठीक है जॉर्ज। शायद जॉर्ज अकॉर्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। डैडी, इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बस ये हॉर्न। क्या मैं बजाऊं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा। इसकी आवाज ठीक नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं बजता। मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ। इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है। हो, शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह। ये आवाज भी अच्छी नहीं है। जॉर्ज, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, पहले से शुरू करो। पकड़ लिया। मैं जीत गई। लेकिन मैं रेडी नहीं थी। रूल्स के हिसाब से मैं जब चाहूँ हिल सकती हूँ, है ना जॉर्ज? अब चतुर लोमड़ी बनने की बारी क्लोई की है। पेपा और जॉर्ज को बिना हिले रहना होगा। पेपा, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, फिर से शुरू करो। ये गलत है, तुमने बहुत देर तक देखा। रूल्स के हिसाब से मैं जितनी देर चाहूँ देख सकती हूँ। दोबारा शुरू करो। जॉर्ज जीत गया।
क्या हम कोई और खेल खेलें? हाँ, पर वो बड़ों का गेम होगा तो ही। मैं बताती हूँ, मेरा फेवरेट गेम खेलते हैं, वो बड़ों का ही खेल है। जॉर्ज, क्या तुम्हें पेपा की फेवरेट गेम पता है? पेपा का फेवरेट गेम है मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना। जॉर्ज, अगर तुम्हें गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें जूते पहनने होंगे। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी जूते लाई हूँ। क्लोई, मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ। मैं भी। जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। असल में पेपा को गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है, पर उसे क्लोई को दिखाना है कि वो बच्ची नहीं रही। मैं देख रहा हूँ कोई गड्ढों में कूद रहा है। मम्मी पिग और डैडी पिग को भी मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। ये मजेदार दिख रहा है। हाँ, वो तो है। शायद ऐसा कोई रूल है जिसके मुताबिक बड़ी लड़कियाँ भी मिट्टी के गड्ढों में कूद सकती है। हाँ, ये अच्छा रूल है। चलो रेस लगाए। पेपा और क्लोई को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है, बड़ी लड़कियों को भी। तुम इसे और ऊपर उछाल सकते हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। ये पैनकेक मम्मी पिग के लिए है। हुरे! अब भी उन्हें ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल रही मम्मी पिग। अगला पैनकेक आपका ही है डैडी पिग, तो अब आप ही करके बताइए। बहुत यम्मी है। अब सबकी नजर मुझ पर हो। एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में ऊपर उछालना होता है। एक, दो और तीन। बुद्धू डैडी। ओह, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर उछाल दिया। अब क्या करें? ये तो आखिरी पैनकेक था। इसे नीचे लाना बहुत ही आसान है। ओफो, डैडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुंच पा रहे। फिक्र मत करो डैडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ। चलो ऊपर चले बच्चों। मम्मी पिग क्या प्लान बना रही हैं? तीन की गिनती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है, ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो। ये सब कर क्या रहे हैं? काम हो गया, अब डैडी पिग को उनका पैनकेक मिल गया। डैडी के सिर पर पैनकेक है। आपके पैनकेक पर सिरप डैडी पिग? ठीक है, डालो। Thank you.